हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए। जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट चाहते हैं कि फ्यूचर में जाके वो एक बहुत ही अच्छा नर्सिंग स्टूडेंट बनना चाहते हैं या फिर नर्सिंग का प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वक्त कौन कौन सी चीज मस्ट फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है फॉलो करना, तो मेरे एक्सपीरियंस में जितना है मैं आपसे शेयर करूंगा, मेरा जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि मैं कह रहा था, एक नर्सिंग स्टूडेंट बनने के लिए, अच्छा नर्सिंग स्टूडेंट बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी इंग्लिश की। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, इंग्लिश की। अगर आपका इंग्लिश का जो बोलने की पावर है, स्पीकिंग पावर है, या फिर स्टॉक ऑफ वर्ड है, ज्यादा नहीं है या फिर अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे मेरा कुछ दोस्त है, उन लोगों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ही स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं उन लोग, मैं देख रहा हूँ। इसलिए आपको सजेशन कर रहा हूँ कि आप अगर इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, अब तो कोई काम नहीं है घर पे, लॉकडाउन पूरा है, दिन रात मोबाइल पे गेम, मैं भी खेलता हूँ वो छोड़ो, दिन रात मोबाइल पे गेम या फिर चैटिंग या फिर जो कुछ हो जाए, आप तो करते रहते हो, तो काम तो है नहीं कुछ, तो क्यों ना हम, अगर हम घर पे बैठे हुए थोड़ा सा इंग्लिश ही सीख ले, हम लोगों का बोलने की स्पीकिंग पावर भी अच्छा होगा, स्टॉक ऑफ वर्ड भी आ जाएगा। यूट्यूब में अगर आप सर्च करते हो कि स्पीकिंग पावर कैसे बढ़ाया जाता है, भरा पड़ा है ऐसा वीडियो, स्पीकिंग पावर बढ़ाने की वीडियो भरा पड़ा है। तो अगर आप YouTube में जाके सर्च करोगे हाउ टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग पावर इन इंग्लिश, तो लाखों वीडियो आएगा। मेरी मानो इस लॉकडाउन के समय पे टाइम वेस्ट मत करो। मेरे हिसाब से अगर आप स्पीकिंग पावर थोड़ा सा भी बढ़ाते हो तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। क्योंकि जब आप वहाँ पे एक नर्सिंग स्टूडेंट के हैसियत से आप जब क्वेश्चन आंसर करोगे या फिर कुछ भी बताने जाओगे, आपको वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। आप वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा बंगाली बोल दो, थोड़ा सा हिंदी बोल दो, उसके बाद इंग्लिश बोलो, ऐसा नहीं चलेगा यार। सच में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट चीज है एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ में इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप नौकरी करने जाओगे किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, अगर आपका जॉब मिला तो वहाँ पे बाहर से भी पेशेंट आता है या फिर डॉक्टर आता है, आपको उससे इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं, आप जाके थोड़ा सा वहां पे हिंदी में बात कर लिए उसके बाद इंग्लिश बोल लिए, ऐसा नहीं चलेगा। इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है एक नर्सिंग स्टूडेंट की कैरियर में। तो मेरी हिसाब से लॉकडाउन की अब समय चल रहा है, कोई काम नहीं, आप बाहर भी नहीं जा सकते, तो आप थोड़ा सा भी इंग्लिश का जो स्पीकिंग पावर है आप अगर आपका इम्प्रूव करते हो, बिल्डअप करते हो, या फिर आपका जो स्टॉक ऑफ वर्ड है अच्छा नहीं है या फिर ज्यादा नहीं है, तो आप उसको भी स्टॉक ऑफ वर्ड बढ़ा सकते हो। अगर आप वहां पे गूगल पे सर्च करोगे इंग्लिश स्टॉक ऑफ वर्ड, कॉमनली स्टॉक ऑफ वर्ड जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा ऐसा स्टॉक ऑफ वर्ड। ऐसा नहीं कि आप वहां पर रट्टा मारते जाओ, ऐसा स्टॉक ऑफ वर्ड ढूंढो जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आपके घर पे या फिर मम्मी पापा को या फिर भाई या बहन को या फिर दोस्तों के साथ जब बात करते हो, वो स्टॉक ऑफ वर्ड यूज मस्ट करो, तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। सेकेंड चीज पे आते हैं, जो है अगर आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो या फिर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर आप कुछ पढ़ रहे हो, तो मेरी मानो वहां पे जो इंग्लिश का टर्म होता है, हर एक वर्ड का इंग्लिश टर्म होता है, वो पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप वो पढ़ लोगे अच्छे से, अगर आप यहाँ पे स्टोर करोगे, तो आपको जब वहां पे नर्सिंग स्टूडेंट की जब वहां पे पढ़ाई होती है, आपको तो हर एक चीज इंग्लिश में पढ़ना है, वहां पे ना आपको हिंदी मिलेगा, ना आपका कोई भी मदर टंग हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, इंग्लिश ही मिलेगा सिर्फ। तो अगर आप वहां पे इंग्लिश टर्म अगर पढ़ लेते हो, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर तो दिमाग में रह जाएगा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा ऐसा होता है, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप बायोलॉजी या फिर ह्यूमन साइंस के ऊपर कुछ भी पढ़ते हो इंटरमीडिएट की लाइफ में, जब आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप इंग्लिश टर्म पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी
जब आप वहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट के कैरियर में कुछ भी लिखने जाओगे तो वहां पर भी इंग्लिश टर्म है। इंग्लिश टर्म इंग्लिश ही इंग्लिश, सब जगह पे इंग्लिश है यार। तो इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आप बायोलॉजी या फिर ह्यूमन साइंस के ऊपर कुछ पढ़ते हो तो वहाँ पे इंग्लिश टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। इंग्लिश टर्म अगर आप वहाँ पे पढ़ते हो, इंग्लिश टर्म अगर आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो फ्यूचर में जाके आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे हिसाब से। अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो तो लॉकडाउन की समय को वेस्ट मत करो, इसको आपकी काम में लगा लो। मेरे तरफ से इतना ही बस बोलने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, आपको दोस्तों को शेयर करो वीडियो, उसको भी पता चलना चाहिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है एक नर्सिंग स्टूडेंट के कैरियर में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।